ज्यादातर पुरुषों को ये लगता है कि उनका पेनिस या लिंग जितना बड़ा होगा उनकी सेक्सुअल लाइफ उतनी ही बेहतर होगी। हालांकि ये उतना सच नहीं है, क्योंकि ज्यादातर महिलाओं की चाहत होती है कि उनके पार्टनर का लिंग लंबा और मोटा हो, सबकी नहीं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन 5 एक्सरसाइजेस के बारे में जिनकी मदद से आप अपने पेनिस का साइज बढ़ा सकते हैं। तो आइए बिना देर करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुर्वेदा हेल्थ एंड वेल्थ। कुछ लोग अपने लिंग से संतुष्ट नहीं होते, उन्हें लगता है उनका लिंग छोटा और पतला है। छोटा और पतला लिंग को सही साइज में लाने के लिए वो अलग अलग तरीके अपनाते हैं, जिससे उन्हें कोई फायदा नहीं मिलता। इसके अलावा कुछ लोग ये भी मानते हैं कि हस्तमैथुन के कारण उनके लिंग का साइज और थिकनेस कम हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है कि उनका पेनिस सुकड़ चुका हो, तनाव नहीं आ रहा हो, तो ऐसे में वो लोग वीडियो के लास्ट में आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें बताया गया है कि आप लिंग में तनाव कैसे ला सकते हैं। लिंग का साइज शारीरिक बनावट और बॉडी टाइप पर निर्भर करता है। कई लोग लिंग के साइज को बढ़ाने के चक्कर में कई प्रकार की क्रीम और लोशन का उपयोग करते हैं, लेकिन इनसे कोई रिजल्ट नहीं मिल पाता। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसी 5 स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस बता रहे हैं जो आपके लिंग का साइज बढ़ाने और थिकनेस बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। तो पहली है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। लिंग की लंबाई बढ़ाने के लिए स्ट्रेचिंग सबसे फेमस तरीकों में से एक है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको सिर्फ 5 मिनट का टाइम देना होगा। और अब बात करते हैं कि इस एक्सरसाइज को कैसे करें। तो सबसे पहले लिंग को उसके सिरे से पकड़े, लेकिन ध्यान रखें कि उसे बहुत मजबूती से या बहुत ढीला न पकड़े, क्योंकि उससे दर्द होने की दिक्कत हो सकती है। इसके बाद उसे घुटने की तरफ खींचे। ऐसा करने से आप लिंग में सॉफ्ट खिंचाव महसूस करेंगे। 20 से 30 सेकंड के लिए लिंग को इसी स्थिति में रहने दें। इसके बाद लिंग को नाभि की ओर स्ट्रेच यानी खींचे करें। इस सिचुएशन में भी 20 से 30 सेकंड के लिए रखें। अब इसे दाईं और बाईं दिशा में खींचे, यहाँ भी 20 से 30 सेकंड तक स्ट्रेच्ड करें। अब इसे नॉर्मल स्थिति में ले आएं, लेकिन ध्यान रखें कि इसे जल्दबाजी में न करें। सेकंड एक्सरसाइज है रोटेटिंग स्ट्रेच। रोटेटिंग स्ट्रेच कुछ मामलों में पिछली स्ट्रेचिंग जैसा ही है। इसे करना भी काफी आसान है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली नॉलेजेबल और हेल्पफुल वीडियो आप मिस न करें। तो इसे करने के लिए लिंग को सिरे से बाहर की ओर खींचें। आप हल्का खिंचाव महसूस होने तक पेनिस को हल्का सा नीचे की ओर खींचें, जैसा फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था। अब लिंग को राउंड में पहले राइट साइड यानी दाईं ओर 30 सेकंड घुमाएं, और फिर लेफ्ट साइड यानी बाईं ओर 30 सेकंड घुमाएं। और नंबर 3 पर है जर्किंग एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज काफी इजी और इफेक्टिव यानी असरदार है। ये आपके लिंग की हार्डनेस यानी कठोरता और साइज में सुधार करती है। इसे करने के लिए आपके लिंग का थोड़े रूप से टाइट होना जरूरी है। पहले अंगुली और अंगूठी से लिंग की शुरुआत यानी पेट के निचले हिस्से पर पके, अब दूसरे हाथ से लिंग के बाहरी भाग पर बाहर की ओर मालिश करें। मालिश उस दिशा में होगी जिस तरह हस्तमैथुन के समय लिंग को जर्क किया जाता है। एक जर्किंग करने में 2 से 3 सेकंड का समय लगाएं। जल्दी जल्दी न करें, इससे लिंग की नोक पर ब्लड फ्लो बढ़ाने में मदद मिलती है। नंबर 4 पर है केगल एक्सरसाइज। केगल प्रैक्टिस करने से लिंग में ब्लड फ्लो में सुधार होता है, इससे लिंग मजबूत और मोटा होता है। इसे करने के लिए आपको लगभग 30 मिनट की आवश्यकता होगी। इसे करने के लिए सबसे पहले आपको अपने पीसी यानी प्यूबोकोक्सीजियस मसल्स की पहचान करनी होगी। अपने यूरिन को रोककर इसकी पहचान कर सकते हैं। इसे रोकने में लगी हुई मांसपेशी आपकी पीसी मांसपेशी है। इस मसल को 5 सेकंड के लिए पकड़कर छोड़ दें। इसके बाद गैप लें और जितनी बार चाहे इसे दोहराएं। इरेक्शन में सुधार देखने के लिए आपको इसे हर दिन लगभग 30 मिनट तक करना चाहिए। नंबर 5th और लास्ट एक्सरसाइज ऑपोजिट स्ट्रेच है। लिंग को लंबा करने के लिए ये इफेक्टिव एक्सरसाइज है। ऐसा करने के लिए आपको बस 5 मिनट की आवश्यकता होगी। इसे करने के लिए ऊपर भाग के नीचे से लिंग को हल्के हाथ से पकड़ें। अब अपने दूसरे हाथ से अपने लिंग के बेस को ओके ग्रिप से पकड़ें। अपने दोनों हाथों को विपरीत दिशा में खींचें।
यानी हाथ को सिर के पास ऊपर की ओर और हाथ को बिना किसी दर्द के नीचे की ओर बेस के पास खींचे, आपको केवल खिंचाव महसूस होगा लेकिन कोई दर्द नहीं होगा। लगभग 30 सेकंड के लिए उसे पकड़ें और फिर रिलैक्स करें। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि इन एक्सरसाइजेस की मदद से किस तरह आप लिंग की लंबाई और मोटाई बढ़ा सकते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपका पेनिस छोटा और पतला है तो ये आसान एक्सरसाइज ट्राई करें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।